छत्तीसगढ़ में नया रायपुर में जो किसान आंदोलन चल रहा है, उस किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए हिंदुस्तान के किसान आंदोलन या किसानों के मुद्दों को लेकर एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाला जो शख्स है जिसका नाम है राकेश टिकैत, वो इस समय रायपुर आए हुए हैं और वो कुछ ही देर में किसान आंदोलन स्थल पर जाएंगे, किसानों से मिलेंगे। 2 दिन का इनका दौरा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। ये जो आंदोलन चल रहा है रायपुर में जिसमें आप आए हैं, इसमें क्या भूमिका रहेगी आपकी? नहीं, हम तो किसानों का पक्ष रख गया बोलो, और इतने दिन से लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बात जायज है पूर्ण रूप से, सरकारों को सुननी चाहिए। और वो बात करे जो मुख्यमंत्री ने उनसे वादा किया था, ये वो किसान बताते हैं। और देखो, किसान को तो एक बार जो भी पैसा मिलेगा वो एक बार मिलेगा, फिर किसान तो अगर वहां से निकल जाएगा तो फिर तो वहां बिल्डर आएंगे, एयरपोर्ट आएगा, कॉलोनाइजर आएगा, सरकार आएगी, किसान का कोई मतलब नहीं है। तो किसान तो जो भी अपना आंदोलन करता है वो एक बार उसकी डिमांड है वो उसकी पूरी हो जाए, वो जगह छोड़ देता है फिर। और ये भी हकीकत है कि जब कोई किसान अपनी जमीन देता है, वो कितना भी बड़ा व्यापार कर लो, उस जमीन को फिर दोबारा नहीं खरीद सकता। तो ये सारी चीजें हम सरकार से भी बात करेंगे और किसानों से भी बात करेंगे। हम पूर्ण रूप से उनके धरने को समर्थन नहीं, वो तो किसानों का धरना है, तो हम तो मूवमेंट के हिस्सेदार हैं, समर्थन वाले नहीं, हम तो हिस्सेदार हैं इसके मूवमेंट। आप हिस्सेदार हैं और इसलिए आए हैं यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये अजीबोगरीब स्थिति क्या नहीं लगती है आपको कि जब किसानों का मसला हुआ और दिल्ली में आप लोग धरने पर बैठे, तो वो कांग्रेस या वो दिगर राजनीतिक दल जो सत्ता में नहीं थे सेंट्रल में, वो आपके साथ थे। आज इस राज्य में जहां पे आप इस मूवमेंट का हिस्सा बोल रहे हैं कि मैं हूं, आप आए हैं, यहाँ पे कांग्रेस की सत्ता है, तो ये क्या समीकरण है? नहीं, समीकरण कुछ नहीं है। हमारा किसी पार्टी से वो नहीं होता, हमारा हमारा होता है सरकारों की पॉलिसी से। यहाँ पर सरकार है, वो सरकारें किसी पार्टी की नहीं होती, वो सरकारें छत्तीसगढ़ की है, और छत्तीसगढ़ की सरकार पॉलिसी बना रही है, तो कोई कांग्रेस थोड़ा पॉलिसी बना रही, या कांग्रेस की पार्टी या उनके लोग बना लेना। छत्तीसगढ़ सरकार पॉलिसी बना रही है, कल दूसरी सरकार कोई रहे, जैसे पहले कोई और थी तो वो पॉलिसी बनाती थी। तो हमारा है कि जो सरकार पॉलिसी बनाती है, अगर वो पॉलिसी किसान की हक की नहीं है तो हम उनका विरोध करेंगे पूर्ण रूप से। और हमारा एक कहेंगे, किसान और सरकारें बैठ के आपस में बातचीत करें। हमने यहाँ की सरकार को कहा, मुख्यमंत्री जी को हमने कल लेटर लिखा, उनको दिया कि हम 2 दिन रहेंगे वहां पे और हम आपसे भी बातचीत करेंगे, किसानों से भी करेंगे, और इसका समाधान निकाल लो। ये कहा उसके बाद कोई उधर से आपने जो पत्र लिखा या आपने जो बातचीत की उसका कोई जवाब आया क्या मुख्यमंत्री कार्यालय से या सरकार की तरफ से? भाई, यहाँ पे हैं, बात कर लेंगे। अब यहाँ पे हैं तो LIU इंटेलिजेंस के लोग होंगे, उनको कहेंगे कि भाई बातचीत शुरू करो। ये एक माध्यम होता है, पुलिस फोर्स जो इंटेलिजेंस के लोग हमारे होते हैं तो उनके माध्यम से बड़ा मैसेज हम देंगे, वे टाइम करवाएंगे, इधर किसानों से भी बात करेंगे, एक प्रतिनिधिमंडल सरकार से बैठ के भी लगा। इनकी शायद कमेटी कोई बनी हुई है, कमेटी बनी तो देखते हैं कमेटी क्या कहती है, किसान क्या कहते हैं, कहाँ इनका मामला रुका हुआ है, ये सारी चीजें देखेंगे और उसकी जानकारी करेंगे। ये कल शाम तक क्या अपन ये माने कि राकेश टिकैत नया रायपुर किसानों का ये जो आंदोलन है उसको किसी राहत भरे मुकाम पे ले जाने में सफल हो जाएंगे? अब ये तो यहाँ पर आ गए, ये आगे का भविष्य का किसको पता। हम पूर्ण रूप से किसानों के साथ में हमें। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।